हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग 25 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड कार्ड्स। ओके, सो इसका एमसीक्यू क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैक ऑफ कार्ड है, ओके, उसमें से दो कार्ड निकालना है। ओके, सो टोटल कार्ड रहते हैं कितने, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, राइट। 52 कार्ड्स में से दो कार्ड आपको निकालना है, सो 52C2 मिलेगा। ओके, बिकॉज सी मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, ओके, सेकेंड चैप्टर। सो कॉम्बिनेशन यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम लोग किसी चीज़ में से कुछ अमाउंट सिलेक्ट करते हैं। सपोज़ 10 बॉयज़ है, 10 बॉयज़ में से आपको 5 बॉयज़ सिलेक्ट करना है, ओके, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, वरना परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। ओके, सो सेकंड चैप्टर मैथ्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है। ओके, सो यहाँ पे 52 कार्ड्स में से हम लोग टू कार्ड्स क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सी यूज़ करेंगे, सो 52C2। ओके, सो अभी आपको ये कॉम्बिनेशन कैसे, क्या फॉर्मूला है, मैं आगे बताता हूँ। ओके, तो ये जो रहेगा नंबर ऑफ़ एस रहेगा, ओके, हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है नंबर ऑफ़ एस, नंबर ऑफ़ ए एंड पी ऑफ ए, राइट ना। एंड यहाँ पे कार्ड के बारे में बताया, तो कार्ड टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 में से 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, राइट, एंड 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो दोनों कार्ड, वो जो प्रोबेबिलिटी जिसका पूछा है, क्या पूछा है, बोथ द कार्ड्स आर, यहाँ पे है, ओके, बोथ आर रेड कार्ड्स, राइट ना, रेड कार्ड की बात कर रहा है, जो दो कार्ड निकालेंगे वो रेड कार्ड रहेगा, राइट ना। सो हम लोग अगर उस इवेंट को बोथ आर रेड कार्ड्स, ये इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, इसको हम लोग अगर इवेंट ए ले लेते हैं, राइट ना, तो हम लोग को एन ऑफ ए फाइंड आउट करना रहेगा। वाई एन ऑफ ए क्यों फाइंड आउट करना रहेगा, क्योंकि पी ऑफ ए फाइंड आउट करना रहेगा, पी ऑफ ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, राइट ना। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, है फॉर्मूला, राइट। सो हम लोग एन ऑफ एस तो मिल गया 52C2, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ओके, फर्स्ट हम लोग एन ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, एन ऑफ ए क्या रहेगा। सो एन ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है बोथ आर रेड कार्ड्स, अभी रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 हैं, राइट ना, 26 रेड कार्ड है, इसमें से दो ही कार्ड लेना है, हम लोग दो ही कार्ड सिलेक्ट करेंगे बार बार, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो दो की कार्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 26C2 लेंगे, ओके, 26 में से दो कार्ड ले रहे हैं, ओके, यहाँ पे लिखा भी है बोथ आर रेड कार्ड्स, राइट ना, तो 26 टोटल कार्ड है, उसमें से दो कार्ड हम लोग ले रहे हैं, राइट, यहाँ पे 52 में से दो कार्ड ले रहे थे, ओके, तो एन ऑफ ए मिल गया, एन ऑफ एस मिल गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं, एन ऑफ ए कितना है 26C2 एंड एन ऑफ एस कितना है 52C2। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पी ऑफ ए मिल जाएगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा, ओके, ए क्या है, बोथ आर रेड कार्ड्स, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल जाएगा, राइट। सो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं, सो 52C2 को सॉल्व करते हैं फर्स्ट, 52C2, ओके। सो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले एन सी आर का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ओके, सो एन सी आर इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अगर आप ये चैप्टर किए हो तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लो, डीप में समझा रहा हूँ मैं, ओके। सो एन सी आर का फॉर्मूला लिखेंगे, ओके, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ओके। सो यहाँ पे एन की जगह पे क्या है, 52 है, राइट, एंड आर की जगह पे क्या है, 2 है, राइट, तो हम लोग जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे 52 पुट कर देंगे, जहाँ पे r दिख रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो पुट करते हैं 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, r कितना है, 2 है, 2 फैक्टोरियल एंड ब्रैकेट में दोनों का माइनस, दोनों का माइनस 52 माइनस 2, ओके, फैक्टोरियल लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1 होता है, राइट, मल्टीप्लाई, ओके, ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, 52 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा, एंड साइड में फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल को लिख देंगे, ओके, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी सॉल्व करने आ जाएगा, राइट। सो लास्ट तक वीडियो देखते रहो, आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन का डीप में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और अच्छे से आपको समझ जाएगा, ओके। सो आप उसका कोई अगर कोई डाउट आएगा फिर भी तो मुझे कमेंट करके बता दो, ओके। सो 52 फैक्टोरियल है, सो यहाँ पे नीचे कितना है, 50 फैक्टोरियल, तो 52 को एक्सपांड कर देते, 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, हम लोग कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, 49, 48 कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, सो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, एंड ये 50 फैक्टोरियल, राइट।
सो 50 फैक्टोरियल क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 2 को इस 52 से हाफ कैंसिल कर देंगे तो 26 टू जाए कितना होता है, 52 होता है। नाउ वी गेट 26 मल्टीप्लाई बाय 51। सो 26 मल्टीप्लाई बाय 51 करोगे तो आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करके ले लेते साइड में, ओके इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1326 मिलेगा, ओके। सो 52C2 कितना मिला, 1326 मिला, आपके पास कैल्सी है राइट ना। इसके बाद हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं 26C2, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं 26C2 राइट। सो 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड दोनों का माइनस, 26 माइनस 2 फैक्टोरियल राइट। सो 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, अभी जस्ट मैंने 2 लिखा राइट ना, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, 26 माइनस 2 करेंगे तो 24 फैक्टोरियल मिलेगा राइट। सो अगेन 26 को 24 तक लेके आओ, 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल एंड ये 2 इंटू 24 फैक्टोरियल, 24 गेट कैंसल एंड ये 2 इंटू 13 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 26। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 25, 325 मिलेगा, मीन्स 26C2 कितना मिला, 325। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओके सो 325 मिला एंड ये नीचे कितना मिला सॉल्व किए, 1326। अभी ये कैल्सी से डिवाइड करके देखो किससे डिवाइड होता है, ओके सो 25 के टेबल में दोनों जाएंगे, 5 के टेबल में कट करते हैं। सो अभी 325 डिवाइड बाय 1326 मिला है, सो ये दोनों 13 के टेबल में अगर आप 13 से डिवाइड करोगे, ओके सो 13 इंटू 25 कितना होता है, 325 एंड 13 इंटू 102 कितना होता है, 1326 होता है। तो आंसर आपको मिला 25 डिवाइड बाय 102। सो ये आंसर कहाँ पे है, फर्स्ट वन, 25 डिवाइड बाय 102 मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे आपको सॉल्व करना है MCQ, ओके आप यहाँ पे शॉर्टकट मार सकते थे जहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया, अगर आपको कॉम्बिनेशन आता है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट करके फटाफट कर सकते हो, ओके मैं डीप में इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स, ओके आपको कमिटी बनाना है, ओके जिसमें 8 बॉयज़ है एंड 7 गर्ल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, आपको 5 का कमिटी बनाना है, 5 लोग का, ओके जिसमें टोटल कितने 8 बॉयज़ हैं एंड टोटल कितने गर्ल्स हैं, 7 है राइट। अभी कमिटी 5 लोग का बनाना है जिसमें से कंपलसरी ये रहना चाहिए कि 3 बॉयज़ रहना चाहिए एंड 2 गर्ल्स रहना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो कमिटी कंसिस्ट कितना रहना चाहिए, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, इसलिए यहाँ पे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, ओके 3 बॉयज़ रहना चाहिए, 5 लोग में से 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स रहने चाहिए, टोटल कितने बॉयज़ हैं, 8 बॉयज़ हैं एंड टोटल कितने गर्ल्स हैं, 7, मीन्स 8 में से 3 बॉयज़ चाहिए एंड 7 में से 2 गर्ल्स चाहिए, ओके। सो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सिंपल ही दिख गया, अभी 8 बॉयज़ है, 8 बॉयज़ में से 8 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ लेना है तो 8C3 मिल गया राइट। 2 गर्ल्स लेना है, टोटल गर्ल्स कितने, 7, तो 7 में से 2 गर्ल्स लेना है तो 7C2 मिल गया, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है राइट एंड डिवाइड में टोटल, टोटल कितने हैं, 8 प्लस 7 कितने हो गए, 15 राइट। सो 15 में से टोटल कितने बनाना है, 5, सो 15 में से 5 लोग, अभी देखो 15 टोटल गर्ल्स एंड बॉयज़ मिला के 15 लोग हैं, उसमें से 5 लोगों का कमिटी बनाना है तो 15C5 आया। अभी 3 बॉयज़ चाहिए तो 8 टोटल 8 बॉयज़ है, 8C3 मिला, 2 गर्ल्स लेना है तो 7 टोटल गर्ल्स है, 7C2 ओके। सो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, अभी जैसे हमने सॉल्व किया है इसको सॉल्व करोगे सो 56 डिवाइड बाय 143 मिलेगा, आंसर ए मिलेगा। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, आप एक एक करके सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो एंड डिवाइड कर लो, 56 डिवाइड बाय 143 मिलेगा आपको आंसर, ओके। सो एक क्वेश्चन में सॉल्व किया इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, अब क्योंकि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं डीप में गया, वही इतना टाइम ले लिया, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डैश ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अभी जो भी एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितने भी सेट बनते हैं, ओके ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो भी निकलते हैं, जैसे एक कॉइन टॉस किया तो हेड या टेल निकलता है, डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी निकलेगा, तो उसका एक सेट बनता है राइट ना।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके इट्स वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, अ बॉक्स कंटेन्स 20 टिकट्स नंबर्ड 1 to 20, अ टिकट इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स। ओके टोटल 20 टिकट्स है, एक बॉक्स में 20 टिकट्स है। ओके नंबर जो दिया है 1 से लेकर 20 तक दिया है। ओके एक बॉक्स में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 3 और 4। अभी जो हम लोग बॉक्स में से 20 टिकट्स में से निकालेंगे उसका नंबर दिया है 1 से लेकर 20 तक दिया है। ओके 1 2 3 4 5 up to 20 तक ऐसे नंबर करके टिकट दिया है, राइट ना, 20 टिकट्स टोटल हैं। तो उसमें से हम लोग अगर बॉक्स में से निकालते हैं एक एक टिकट, तो वो नंबर हम लोग को ऐसे नंबर का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जो डिवाइड बाय 3 रहना चाहिए या तो डिवाइड बाय 4 रहना चाहिए। तो ऐसा हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो टोटल एन ऑफ एस जो हम लोग निकालेंगे, एन ऑफ एस कितना है, 1 से लेकर 20 है ना, तो 20 नंबर हो गए एन ऑफ एस। ओके एस के अंदर कौन से नंबर आएंगे, 1, 2 से लेकर 20 तक आएंगे, तो एन ऑफ एस कितना मिल गया, 20 मिल गया। हम लोग जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला यही बनता है, अगर इस इवेंट को हमने ए ले नाम ले लिया तो मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला बनेगा। ओके सो नंबर ऑफ एस तो हमारे पास 20 दिया है, नंबर ऑफ ए फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पी ऑफ ए मिल जाएगा। ए हमारा क्या है, जो ये कंडीशन दिया है इज डिविजिबल बाय 3 और 4, ये हमारा इवेंट है। ओके इस इवेंट का नाम हमने क्या लिया, ए ले लिया है, तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, राइट ना। सो नंबर ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ए क्या है आपका, जो डिविजिबल बाय 3 और 4 है, तो 1 से लेकर 20 के बीच में 1, 2, 3, 4 ओके ऐसे 20 तक नंबर दिया है, ये एस है, राइट ना, ये एस है। ओके अभी इसमें से जो 4 से या 3 से डिवाइड होते हैं वो कौन कौन से नंबर है देखते हैं। ओके 3 से कौन से डिवाइड होते हैं, 3, 6 होते हैं, 9 होते हैं, 12, 3 का टेबल, ओके 15, 18 ये नंबर डिवाइड होते हैं। अभी मैं 4 से नंबर डिवाइड वाला ले लेता हूँ, 4 होता है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 12 तो लिखा है एक बार, उसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके फिर उसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा, उसके बाद देन 20 आता है, राइट ना। सो ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर मिल गया, मीन्स एन ऑफ ए कितना मिला, 10 मिल गया, एन ऑफ एस कितना है 20। सो 10 डिवाइड बाय 20 करोगे, 10 डिवाइड बाय 20, सो 10 डिवाइड बाय 20 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.5। सो 0.5 कहाँ पे, यहाँ पे 0 0 गेट कैंसल, 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2 मीन्स हाफ होता है, राइट ना। सो हाफ 0.5 मीन्स हाफ होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट, बहुत ही सिंपल था। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट कार्ड। ओके अभी यहाँ पे एक एक सिंगल कार्ड लेना है, टोटल कार्ड कितने हैं, 52, राइट ना। सो टोटल 52 कार्ड है, राइट, सो नंबर ऑफ एस कितना मिल गया, 52। ओके यहाँ पे सिंगल कार्ड ही लेना है, ड्रॉ करना है। ओके सो एन ऑफ एस कितना मिल गया, 52। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 52 में से 2 कार्ड को लेना था, इसलिए हमने 52 C2 का फॉर्मूला लगाया था। ओके इसके अंदर नहीं लगाना है। सो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। अभी प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करना है, द कार्ड ड्रॉन इज ए हार्ट कार्ड। ओके हार्ट कार्ड रहना चाहिए। ओके सो हार्ट कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, राइट, आपको सबको पता है। ओके 26 रेड होते हैं, उसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं, राइट, एंड 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। सो 26 जो रेड होते हैं इसमें से 2 पार्ट होते हैं, एक 13 हार्ट कार्ड होता है, ओके एंड जो 13 कार्ड रहते हैं वो क्या रहता है, डायमंड रहता है, डायमंड कार्ड बोलते हैं इसको। ओके 13 हार्ट एंड 13 डायमंड कार्ड होते हैं, सो 13 हार्ट कार्ड होते हैं, तो इसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग अगर ए ले लेते हैं तो मीन्स हम लोग को एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, राइट, एन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। सो एन ऑफ ए कितना रहेगा, 13 ही रहेगा, क्योंकि 13 ही कार्ड लेने बोला है इसने, हार्ड कार्ड, यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दिया कि हार्ड कार्ड में से भाई 1, 2 से लेकर 10 तक रहना चाहिए, या किंग रहना चाहिए, या क्वीन रहना चाहिए, या एक्का रहना चाहिए, कुछ बताया क्या, नहीं ना, सिर्फ हार्ड कार्ड बोल दिया। हार्ड कार्ड कितना होते हैं, 13 होते हैं, ओके एंड टोटल कार्ड कितने, 52। तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस करेंगे,
पी ऑफ एन ऑफ ए कितना है 13, सो 13 डिवाइड बाई 52 करेंगे, सो 13 डिवाइड बाई 52, 13 फोर जाए कितना होता है 52 होता है, राइट ना, सो 1 डिवाइड बाई 4 मिला, मीन्स डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर आर अरेंज्ड एट रेंडम, व्हाट इज द चांस दैट द टू लेटर्स ए एंड आर विल बी एट द आइदर एक्सट्रीम्स। ओके, सो यहाँ पे एक वर्ड दिया है फादर, इसको अरेंज करना है, ऐसा अरेंज करना है कि चांस, मतलब जो व्हाट इज़ द चांस दैट द टू लेटर्स, जो ए और आर दो लेटर्स है, ओके, वो स्ट्रीम में रहना चाहिए, मीन्स लास्ट में रहना चाहिए, ऐसा हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका जो क्या रहेगा, व्हाट इज़ द चांस, क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा। ओके, सो फादर जो लेटर वर्ड है कितने का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का है, राइट। सो यहाँ पे जब हम लोग अरेंज करते हैं किसी चीज़ को तो हम लोग उसको परम्यूटेशन में यूज़ करते हैं। ओके, एंड किसी चीज़ में से सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको वहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फादर है, ओके, 6 डिफरेंट लेटर्स है, राइट ना, 6 डिफरेंट लेटर्स है, राइट। सो 6 डिफरेंट लेटर है, इसको अरेंज करना है, तो इसको 6P6 में निकालेंगे क्योंकि 6 है और इसको सबको अरेंज करना है, राइट। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो इसको उल्टा पुल्टा करना है, ओके, अरेंज करना है, इसको यहाँ बैठा देना, इसको यहाँ बैठा देना, ऐसा करके, तो ये 6 वेज आएंगे, ओके, 6 फैक्टोरियल वेज, ओके, 6 फैक्टोरियल आएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 720 मिलेगा, 720 वेज हो गए। 720 कैसे मिलेगा, 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करने पे 720 मिलेगा आपको। अभी जो ए और आर है यहाँ पे, वो जो दो लेटर्स है उसको कहाँ पे रखना है, स्ट्रीम में रखना है, राइट ना, तो यहाँ पे दो लेटर है, राइट ना, तो टू पी टू, ओके, 2P2 सॉल्व करेंगे, दो लेटर है, दोनों को अरेंज करना है, ओके, एक्सट्रीम में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, तो ये 2 वेज हो गए, राइट। अभी ये दोनों को छोड़ के बाकी 4 लेटर्स जो रहेंगे वो मिडल में कहीं आपस में कहीं भी रहेंगे, राइट ना, रिमेनिंग जो 4 हैं, तो जो 4 लेटर हैं, ओके, 4 लेटर में इसको 4 को अरेंज करना है, टोटल 6 लेटर था, तो 6 लेटर को 6 जगह अरेंज करना था, तो 720 मिल गया। अभी इसमें हम लोग ए और आर की बात कर रहे हैं, राइट ना, ए एंड आर की बात कर रहे हैं, मतलब दो लेटर है, दो लेटर को अरेंज करना है, तो 2P2 निकालेंगे, तो ये 2 फैक्टोरियल निकालेंगे, राइट ना। अभी 4 जो रिमेनिंग 4 लेटर बचा, तो उसको अरेंज करना है, 4 को अरेंज करना है, तो इसको निकालेंगे तो ये 4 वे जाएगा, राइट ना, तो 24 वे हो जाएंगे। ओके, सो 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। अभी ये और ये दोनों मिला के ये टोटल बनते हैं, राइट ना, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे तो 48 मिलेगा, राइट। अब ये 48 मिल गया, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी इसको लेते हैं, राइट ना, तो ये अगर सपोज ए रहेगा तो नंबर ऑफ़ ए ले लेते हैं इसको, राइट, नंबर ऑफ़ ए रहेगा, एंड ये जो टोटल है ये क्या रहेगा आपका, एन ऑफ एस रहेगा, तो डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड बाय 720 करेंगे, सो 48 डिवाइड बाय 720 करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 15 मिलेगा, 48 के टेबल में मल्टीप्लाई कर लो, 15 720 आता है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 15 कहाँ पे है, बी, राइट, तो बी क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। सो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसको देखना है, समझना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉक्स कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एक बॉक्स में 5 वाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स है, इफ़ 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, अगर हम लोग उस, जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में 5 बॉल्स है, सॉरी, वाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स है, राइट ना, टोटल 5 + 3 = 8 बॉल्स है, राइट ना, 8 बॉल्स है, 8 बॉल्स में से हम लोग को 5 बॉल्स सिलेक्ट करना है उस बॉक्स में से, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ देम आर वाइट, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि उसमें से 3 बॉल्स जो ऐसे हैं वो क्या रहना चाहिए, वाइट रहेंगे। ओके, सो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, सो टोटल 8 बॉल्स है, राइट, सो हम लोग यहाँ पे सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मीन्स सी लेगा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, सो 8 में से हम लोग को कितने बॉल निकालना है, 5 बॉल्स निकालना है, तो 8C5, ये तो आपका एन ऑफ एस मिल गया टोटल, राइट ना। अभी हम लोग कंडीशन देखते हैं, 3 बॉल क्या रहना चाहिए, वाइट रहना चाहिए, तो 3 बॉल वाइट रहना चाहिए, टोटल कितने बॉल हैं, 5 बॉल है, राइट ना, 5 वाइट बॉल है, तो 5 वाइट बॉल में से 3 बॉल्स वाइट मिल गए,
तो हम लोग को टोटल कितने बॉल निकालना है, पांच बॉल निकालना है। तो यहाँ पे जब तीन बॉल वाइट रहेंगे तो बाकी जो दो बॉल रहेंगे वो क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। दो बॉल जो निकालेंगे हम लोग वो क्या रहेंगे, ब्लैक। ब्लैक कितना है, टोटल थ्री है, राइट ना। देखो 5c3 एंड 3c2। अभी पांच बॉल में से, पांच वाइट बॉल में से तीन वाइट बॉल निकाल लिया, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। तो बाकी हम लोग को टोटल पांच बॉल निकालना है ना। सो बाकी जो दो बॉल रहेगा वो किस में से रहेगा, ब्लैक में से रहेगा। यहाँ पे दो ही बॉल है, एक वाइट है एक ब्लैक है। तो तीन बॉल वाइट में से ले लिए, तो दो बॉल जो बचेगा वो ब्लैक में से रहेगा, राइट। तो इन दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 15/28 मिलेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर वन में डिटेल में सॉल्व किया हूँ, इसलिए वहाँ पे देख लो, या तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो देख लो, आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एट, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ एंड ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एट, टू फेयर डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द सेकेंड डाई। हम लोग यहाँ पे टू फेयर डाइस हम लोग को रोल करना है। ओके, हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जो हम जैसे डाइस जब थ्रो करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो अपर मोस्ट फेसेस जो दिखता है हम लोग को नंबर, जैसे सिक्स दिखा तो हम लोग सिक्स काउंट करते हैं, फाइव दिखा तो फाइव चलते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे जो अपर मोस्ट फेसेस पे जो डाइस दिखेगा फर्स्ट वाले डाइस का, वो बड़ा रहना चाहिए सेकंड वाले डाइस से। ओके, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। ओके, जो डाइस है, ओके, टू डाइस का सैंपल स्पेस आपको पता है 1 1। इसको मैं दिखा देता हूँ, कहीं लिखा हूँ, ये बहुत पहले का वीडियो का जब मैं बनाया था तभी का है। ओके, सो यहाँ पे उसमें डिप में दिया है, आप देख सकते हो वहाँ पे वीडियो में, लिंक उसका डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे टू फेयर डाइस का सैंपल स्पेस है। ओके, सो कंडीशन क्या दिया है, जो फर्स्ट डाइस का है वो ग्रेटर देन रहना चाहिए सेकंड डाइस से। तो ग्रेटर देन फर्स्ट वाले डाइस में किधर है, ये इसमें तो नहीं रहेगा, राइट ना। फर्स्ट वाले डाइस का ग्रेटर देन यहाँ पे है, एंड ये भी इसमें भी, ये भी नहीं रहेगा, ये है फर्स्ट वाला ग्रेटर देन सेकेंड रहना चाहिए। ओके, ये भी बड़ा है, ये बराबर इक्वल है, ये भी नहीं रहेगा, ये बड़ा है। ओके, उसके बाद ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, फर्स्ट वाला डाइस, ओके, सेकंड वाला से बड़ा रहना चाहिए, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने मिल गए, 15। ओके, सो ये 15 मिल गया, एंड सो टोटल कितना मिला, 15 मिला। सो 15/36, 36 कहाँ से आएगा, टू फेयर डाइस का जो सैंपल स्पेस कितना होता है उसका 36 होता है, अभी दिखाया मैंने, टोटल काउंट करोगे तो 36 में से 15 जो ऐसे हैं जो फर्स्ट डाइस है वो ग्रेटर देन सेकंड डाई। ओके, सो डाइस, ओके, सो इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 5 15, 3 × 12 कितना होता है, 36 होता है, तो मीन्स 5/12 मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अगेन कार्ड के ऊपर आया, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड्स, फाइंड ए प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए ब्लैक क्वीन। ओके, अभी कार्ड यहाँ पे टोटल 52 कार्ड है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, ये तो कंडीशन दे दिया, एक ही कार्ड सिंगल कार्ड की बात कर रहे हैं, इसमें मीन्स हम लोग 52 में से सिंगल कार्ड सिलेक्ट करेंगे। ओके, लेंगे तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऐसा कि वो ब्लैक क्वीन रहना चाहिए। तो ब्लैक क्वीन कितने होते हैं, सो ब्लैक टोटल 26 होते हैं ना, 26 में से 13 में डिवाइड हो जाते हैं, राइट। सो 13 डिवाइड होते हैं, एक क्लब आता है और स्पेड कार्ड आता है, राइट ना। सो क्वीन की बात करा, ब्लैक क्वीन की बात करा, ब्लैक टोटल 26 होते हैं, उसमें क्वीन जो रहते हैं रानी, ओके, एक इसमें से और एक इसमें से, टोटल कितने हो गए, दो कार्ड हो गए इसे ना, राइट ना, दो क्वीन मिलते हैं, एक क्लब में से एक स्पेड में से दो क्वीन मिले। ओके, तो 2/52 एन ऑफ एस, ओके, सो इसको कैंसिल करेंगे तो 26 मीन्स 1/26, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू फेयर डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द अपर मोस्ट फेसेस ऑफ द डाइस इज ए प्राइम नंबर। ओके, यहाँ पे अगेन टू डाइस की बात कर रहा है, ओके, टू डाइस नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36 होता है, राइट ना। तो यहाँ पे दो डाइस है, दोनों डाइस का अगर हम लोग नंबर ऐड करते हैं, सम मीन्स क्या होता है, ऐड करते हैं, ओके, तो हम लोग को वो नंबर क्या मिलना चाहिए, प्राइम नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा ऐड करने पे प्राइम नंबर मिलता है, उसके पहले आपको बता दूँ प्राइम नंबर होता क्या है। सो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या तो वन से डिवाइड होना चाहिए, मीन्स 2 3
फाइव सेवन इलेवन ओके, थर्टीन से आगे तो रहेगा नहीं नंबर, क्योंकि लास्ट जो सिक्स प्लस सिक्स है कितना होता है, ट्वेल्व होता है, राइट ना। तो यहाँ पे नंबर्स जो सम ऐड करने पे ट्वेल्व ही है, राइट ना। तो हम लोग इलेवन तक प्राइम नंबर है, ओके। सो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन ये प्राइम नंबर ट्वेल्व तक है। सो दो डाइस है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला डाइस, ये सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, राइट ना। आपको पता है कि डाइस के बारे में। सो यहाँ पे ऐड करने पे ये नंबर में से होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर है, स्टार्टिंग से लेते हैं। वन प्लस वन टू, ये हो गया, ओके। यहाँ पे अदर पेन नहीं है, ओके, सॉरी फॉर दैट। वन प्लस टू थ्री, ओके। वन प्लस थ्री फोर, ये नहीं रहेगा, क्रॉस कर देता हूँ, ओके। वन प्लस फोर फाइव, ये भी रहेगा। वन प्लस फाइव सिक्स भी नहीं रहेगा। वन प्लस सिक्स सेवन, ये है। टू प्लस वन थ्री है। टू प्लस टू फोर, ये भी नहीं है। टू प्लस थ्री फाइव, ये नंबर में से, ओके। टू थ्री फाइव सेवन इलेवन रहने चाहिए। टू प्लस सिक्स, सॉरी टू प्लस फोर सिक्स होता है, ये नहीं है। टू प्लस फाइव सेवन, टू प्लस सिक्स एट, ये भी नहीं है। थ्री प्लस वन फोर भी नहीं है प्राइम नंबर। थ्री प्लस टू फाइव है। थ्री प्लस थ्री सिक्स भी नहीं है। थ्री प्लस फोर सेवन, थ्री प्लस फाइव एट, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। थ्री प्लस सिक्स नाइन, ये भी नहीं प्राइम नंबर है। फोर प्लस वन फाइव, फोर प्लस टू, ये भी नहीं है। फोर प्लस थ्री सेवन, फोर प्लस फोर एट, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फोर प्लस फाइव नाइन, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये टेन, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सिक्स भी प्राइम नंबर नहीं है, एंड ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नाइन भी प्राइम नंबर नहीं है। ये टेन भी प्राइम नंबर नहीं है। इलेवन है। सिक्स प्लस वन सेवन, सिक्स प्लस टू एट प्राइम नंबर नहीं है। सिक्स प्लस थ्री नाइन, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये है, ये भी नहीं है। तो ऐसे कौन कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, राइट ना। तो हम लोग को 15 नंबर अगेन मिला, 15, राइट ना। सो 15 मिला, एंड टोटल नंबर ऑफ जो डाइस, फेयर डाइस रहता है उसका कितना रहता है, 36 रहता है। तो अगेन 3 से कैंसिल करेंगे एंड 12 से कैंसिल करेंगे, तो 3 डिवाइड बाय, सॉरी 3 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 12 3 जा 30, 3 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड बाय 12 मिलेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू डैश, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, अगर उल्टा रहेगा तो यूनियन बोलते हैं। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन रहता है वो क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, ओके। सपोज ये आपका ए है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका टोटल सेट है, ओके। तो दोनों का अगर हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ओके। दोनों में अगर इंटरसेक्शन मीन्स क्या है, तो कॉमन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट और ए में वहाँ पे कभी भी कॉमन नहीं रहता, उसका हमेशा क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, ओके। एम्प्टी मीन्स खाली रहेगा, मीन्स कुछ भी नहीं रहेगा, ओके। तो इसको हम लोग एम्प्टी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, ओके। और डीप में जाना रहेगा तो चैप्टर में देख लो, वहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड किया है, ओके। आपको समझ जाएगा अच्छे से। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ एन सॉरी ऑफ इवेंट बी देन द इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स 40 पास्ड इन इकोनॉमिक्स 50 पास्ड इन अकाउंटेंसी एंड 30 पास्ड इन बोथ, ओके। यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है एंड अकाउंट की बात कर रहा है, राइट ना। टोटल कितने स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 40 स्टूडेंट अकाउंट में पास हैं, सॉरी इकोनॉमिक्स में पास है, 50 जो हैं अकाउंट में पास हैं, एंड जो 30 स्टूडेंट है वो दोनों मिक्स में पास है, दोनों में पास हैं, ओके। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ पास्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट, तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है पास स्टूडेंट का जो दोनों सब्जेक्ट में सिलेक्ट है, ओके। सो इसको साइड में सॉल्व करते हैं डीप में, ओके। सो मैंने यहाँ पे जो ए ले लिया, ओके, ए जो है इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे इको का, एंड बी ले लेता हूँ, बी जो रहेगा वो अकाउंट का रहेगा, ओके। सो इकोनॉमिक में कितने पास हैं, टोटल 50, राइट। एंड जो अकाउंट में कितने पास है, टोटल 40, सॉरी ये 40 अकाउंट का है, इकोनॉमिक्स का कितने है, 40 हैं, ओके। एंड अकाउंट का कितना है, 50 है, ओके। बट यहाँ पे कंडीशन दिया था जो 30 स्टूडेंट है जो हैं ऐसे, वो दोनों में पास है, मीन्स माइनस 30 कर दो,
ओके माइनस 30 करेंगे तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, एंड यहाँ पे माइनस 30 करेंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ये कॉमन है, कॉमन मीन्स दोनों में, ओके अकाउंट भी इकोनॉमिक्स में, तो इसमें नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा, ओके एंड जो बाकी के बच्चे वो बाहर रहेंगे 60 स्टूडेंट, तो आपका ये सैम्पल स्पेस मीन्स सेट बन जाता है। ओके सो यहाँ पे पासिंग का निकालना है, ओके जो पास्ट हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो पास्ट जो दोनों सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करेंगे, पी ए यूनियन बी, ओके तो यहाँ पे 30 दोनों में पास हैं एंड टोटल कितने स्टूडेंट हैं 120, ओके ये तो आपको समझने के लिए ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आपको अगर आपको ये नहीं करना है तो इसको मत करो, ओके इसको मत करो, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्ट, ओके किसका पूछा है, जो पास स्टूडेंट हैं पास जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जो दोनों में सब्जेक्ट में पास है टोटल कितने 30 एंड टोटल स्टूडेंट कितने 120, तो 30 डिवाइड बाई 120 कर दो कितना मिलता है 30 डिवाइड बाई 120 0 कट के आंसर 3 4 12, सो 1 / 4 ये आंसर हो गया। बट डीप में समझना है आपको तो ये आपको समझना पड़ेगा, ओके नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, MCQ है फिलहाल। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4/5 एंड इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, फाइंड ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, ओके सो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दिया है तो पी ऑफ बी पहले हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ओके 1 में से पी कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हम लोग को पी ऑफ बी मिल जाता है। ओके अगर यहाँ पे पी ऑफ ए रहता, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 में से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करते तो हम लोग को पी ऑफ ए मिल जाता। तो ये पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना दिया, 4/5 दिया है, सो 4/5 लिख देते हैं, सो 1 - 4/5, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करते हैं, 5 × 5 माइनस 1 × 4 = 4, 1 × 5 = 5 कितना मिला, 1/5 मिला, ये पी ऑफ बी मिल गया। एंड पी ऑफ ए कितना दिया है क्वेश्चन में, दिया है 1/4 दिया, राइट ना, पी ऑफ ए पी ऑफ बी मिल गया, हम लोग को पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्स्ट, हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास ये नहीं है तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, राइट हमने अभी जस्ट यहाँ पे जो पढ़ा है, ओके दोनों में जो कॉमन रहता है इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, ओके सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पी ऑफ ए कितना दिया 1/4, ये कितना दिया 1/5, तो 1/20, 5 × 4 = 5 जो कितना हो गया 20, सो 1/20 क्वेश्चन में कहाँ पे दिया है, सी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, हम लोग जो प्रोबेबिलिटी रहता है उसको लिखते कैसे, परसेंटेज में लिखते क्या, प्रोपोर्शन में लिखते क्या, या ऑल ऑफ द अबव या रेशियो, तो उसको हम लोग रेशियो में, अभी जस्ट हमने यहाँ पे रेशियो में जो भी आंसर लिखा है सब रेशियो में लिखा है, तो हम लोग रेशियो में लिखते हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू 1, या तो 0 से 1, या तो -1 से लेके +1, तो कभी भी जो प्रोबेबिलिटी आप लिखते हो 0 और 1 के बीच में लिखते हो, ओके सो ये सी इसका भी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ए कॉइन एंड अ डाइस, ओके व्हेन ए कॉइन एंड अ डाइस आर थ्रोन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस इज, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस क्या रहेगा, कॉइन कितने होते हैं 2 रहते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर रहते हैं, राइट ना, तो ये 6 हो गया ये 2 हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 कितना हो गए 12 हो गए, तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए 12 हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सिंपल था 17, राइट ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड क्वीन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स इज डैश, ओके यहाँ पे स्पेड क्वीन की बात कर रहे हैं, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, उसमें एक ही क्वीन होता है सिंगल, राइट ना, एंड तो 1/52, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्पेड कार्ड की स्पेड क्वीन की बात कर रहे हैं, तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्वीन कितने होते हैं एक ही होता है ना क्वीन, तो एक मिला एंड टोटल नंबर 52 कार्ड होते तो 1/52, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एन इंटीजर इज चूजन फ्रॉम 1 to 20, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4,
यहाँ पे अगर इंटीजर लेते हैं 1 से लेके 20 तक, ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसमें से जो नंबर डिवाइड होता है 4 से, 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? एक तो 4 होगा, 8 होगा, 12, 16, 20, कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है ना। तो 5 डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है? 20। तो 5 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 कहाँ पे? ए में है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है, राइट ना। इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.15, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0.25 एंड पी ऑफ ए एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 0.10 देन पी ऑफ ए यूनियन बी, अभी जो सॉरी एक्स यूनियन वाई, तो हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा था पी ऑफ ए बी का। तो यहाँ पे पी ऑफ ए सॉरी एक्स बी एक्स वाई लिया है, पी ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला जो होता है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। पी ऑफ एक्स कितना दिया? 0.15। पी ऑफ वाई कितना दिया? 0.25। माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दिया? 0.10। तो इसको सॉल्व करते हैं, 15 + 25 करेंगे तो 30, 40, 0.4 मिलेगा एंड ये 0.10 कितना मिल गया? 0.30, राइट। तो यहाँ पे आंसर में कहाँ पे 0.30, आपके पास कैलसी है माइनस कर लो, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करेंगे, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस, एक कॉइन में हेड या तो टेल आता है, इसको 6 बार करेंगे तो 6 बार हेड या टेल आएगा, तो ये कितना आएगा? 12। तो 12 इज़ द करेक्ट आंसर। 6 बार कर रहे हैं ना, तो एक बार में हेड टेल आया, 2 बार आया, फिर एक बार में हेड टेल आया, 2, 4, यहाँ मीन्स एक बार टॉस करते हो तो हेड या तो टेल आता है, फिर एक बार टॉस करोगे हेड या तो टेल आएगा, ऐसे करके आपको 6 टाइम करना है, राइट ना। तो मीन्स 2 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 इज़ द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन ए सिंगल डाइस, ओके सिंगल डाइस थ्रोन द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर और इवन नंबर आर, जब सिंगल डाइस आप थ्रो करोगे तो उसमें जो ऑड नंबर और इवन नंबर मिलेगा, और दो ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, ये क्या होता है? ऑड नंबर होता है। इवन नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, ये क्या होगा? इवन नंबर होगा, राइट। सो ऑड नंबर और इवन नंबर का जो इंटरसेक्शन अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या रहेगा? एम्प्टी आएगा, तो उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। मीन्स ए इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स तो दोनों डिफरेंट है ना, इसलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या रहेगा? 0 रहेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? 0 रहेगा, ओके। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी एंड बी इज इक्वल टू डैश, तो इसमें क्या रहेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए डिवाइड बाय बी रहता है, ओके इसको याद कर लो। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस प्रोबेबिलिटी विल बी, अगर इवेंट वहाँ पे होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 0, क्योंकि इवेंट होगा ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 0। सो मैंने टोटल 25 MCQ सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, ओके। सो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, ओके। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहला सब्सक्राइब कर लो, एंड साइड में आपके बेल आइकॉन रहेगा, ओके बेल आइकॉन रहेगा, वहाँ पे उसको प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वो जल्द से जल्द मिल जाए, ओके। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दो लास्ट में, एंड अपने फ्रेंड या कलीग को अपने शेयर कर दो, ओके ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए एंड अच्छे से देखने को मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है इसके बाद, उसके ऊपर MCQ लेके आऊँगा एंड अच्छे से सॉल्व करूँगा, आपको अच्छे से समझ जाएगा, ओके। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।